Muhyiddin University FM 98.2. ZU 98.2 Payam-e-justujoo. Subh ki taza khabar. Awesome mausam. Aur kya kehte hain aapke sitare? Ye sab aur ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू. सैयदा फरहाना अली. सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी. आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक. करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल. लेकिन उससे पहले, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का. सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है. आपको यहाँ पर भी अपने अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिस्नर. सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए. सुनते हैं चोरी चोरी, छुपके छुपके, रोजाना. अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में हम सिर्फ आपको कहेंगे वेलकम. तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में. करेंगे क्या आप? आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, ऑन फेसबुक सर्च करेंगे ZU FM 98.2 और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली. तो आपको दोनों पेजेस नजर आएंगे, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा. मजीद आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial. So, वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा. उस अकाउंट को भी जाकर आपने जल्दी से फॉलो कर लेना है ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए. मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा ट्विटर, ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli. सो ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लीजिए, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, ट्विटर बंद नहीं होता है ना. साथ ही साथ YouTube पर आपको तमाम शोज मिल जाएंगे जो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं. ऑफ कोर्स कल का शो आज मिल जाएगा, आज का शो कल मिल जाएगा, ठीक है ना. तो थोड़ा सा हौसला रखना है. सो अगर आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत ही इजीली आप हमें सुन सकते हैं ऑन फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू. साथ ही साथ आप हमें इंटरनेट के लिंक के थ्रू सुन सकते हैं. अगर आपने अपने पास सेव करके नहीं रखा है तो फिर इसमें आपका कसूर है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है. साथ ही साथ अगर आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको हमारे शो का लिंक मिल जाएगा. आपको मिल जाएगा एक ZU FM का लिंक जहां पर आप तमाम शो सुन सकते हैं, जितने भी शो ZU FM पर होते हैं तमाम शोज आप सुन सकते हैं, कोई भी शो मिस नहीं करेंगे आप. बस आपने पहुंचना सही जगह पर, राइट.
सो आज भी बहुत सारी बातें बिल्कुल करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं, लेकिन पहले आपको हम सुनवाएंगे एक ट्रैक। ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। चले जी, बहुत दिन हो गए ना नहीं सुना ये वाला ट्रैक, और अपने साथ साथ आप लोगों का भी मैंने ना फेवरेट बना दिया ये ट्रैक, है ना। सो चले जी इसको सुनते हैं, वापस आएंगे इसको फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने जब तक कहीं भी नहीं जाना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कहीं पर भी चले गए तो इतना कुछ हमारे शो से मिस करेंगे, बाद में पछताएंगे। तो हम चाहते नहीं है कि आप पछताएं, ठीक है ना। Stay tuned. तेरे बिना
अगली लाइन जो कम्प्लीट करनी ना वो फनी लाइन होनी चाहिए, ठीक है? और अगर फनी नहीं हुई ना तो मैं बस उसको बस रिजेक्ट कर दूंगी मैं उस शेर को. सो बेसिकली आपने बताना है कि तेरे वादे अगर वफा होते, तेरे वादे अगर वफा होते व्हाट, ठीक है? आपने जो है वो फनी लाइन अगली बनानी है और फनी ही होनी चाहिए, ठीक है? ये शर्त है इस टॉपिक की कि आपने अगली लाइन फनी बनानी है, कुछ भी हो हमें नहीं पता भाई. हाँ, सीधी सी बात है. और साथ ही साथ ओके, साथ ही साथ आप बताएंगे. देखिए पता क्या होता है कि आप लोगों को बहुत खाने पीने का शौक है, यू नो. आप लोग चाहते हैं कि बस खाने पीने की बातें करें, या चले हम खाने पीने की नहीं, आप जो भी प्रोफेशन लगाना चाहें अपने नाम के साथ, या कोई खाने पीने की चीज़ लगाना चाहें, या जैसे कि आबिद बिरयानी, सही है सही है, फराज मिस्त्री, इस तरह की चीज़ें हैं ना. मतलब आपने अपने नाम के साथ कोई प्रोफेशनल लगाना है, या तो फिर कोई खाने की चीज़ लगानी है, काशिफ समोसा, राइट? चलें आ जाए मैदान में. आप लोगों को ऐसे फजूल, एकदम फजूल टॉपिक चाहिए होते हैं ना, चलें मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम फजूल किस्म के टॉपिक. चलें लेट्स स्टार्ट. और मज़े के जवाब नहीं आए ना, आई एम टेलिंग यू. बस चलें जल्दी से फटाफट सर्च करेंगे आप ZDFM 98.2, वहां पर जाकर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन कहां कहां से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं और हमेशा सुनते हैं, घुनने हैं तो भी बता दें, ठीक है? सो चलें जी देख लेते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, खबरें शबरें जरा बता देते हैं आपको. अच्छा जी ओके सही है. भाई अशरय रहमतुल्लाह आलमीन के दौरान जो है वो जो मॉडल बाज़ार हैं जितने भी बाज़ारों में यू नो हर किस्म की अशिया पर 10-20% तक खसूसी डिस्काउंट देने का ऐलान कर दिया गया है. क्या बात है यू नो वैसे इतनी महंगाई, हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई. तो आप देखें 10-20% आप लोगों को जो है वो दी जाएगी, ठीक है? अब कितना मतलब कितने महीनों को खरीद लेंगे सामान, फिर भी 10-20% कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता. अक्सर पता क्या यूनिवर्सिटी वाले इतने चलाक होते हैं ना, बच्चों को कहते हैं कि आपने अगर ना इस दौरान अगर आपने 30th तक अगर आपने अपनी फीस पे कर दी ना अपनी अपनी सेमेस्टर की, तो हम आपको जो है वो 10% डिस्काउंट देंगे. मतलब 10% डिस्काउंट, व्हाट इज दिस 10% डिस्काउंट, क्या होता है? बच्चे की जीभ इतनी अच्छी आई है, आप सिर्फ 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो भी आप दे रहे हैं टाइम के, चलो अभी 2 दिन बाकी हैं, आप 2 दिन बाद आके फीस दे रहे हैं. मतलब होशियारियां चेक करें आप, तो फिर ऐसे लोगों के साथ फिर आप ज्यादा होशियारी करें, हम आराम से सेमेस्टर के लास्ट में आपको देंगे पूरी फीस एक साथ सही है ना, हमें नहीं चाहिए डिस्काउंट, सीधी सी बात है. सो ओके, बट ऐसा होता नहीं है. ऑफ कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो आपको पहले ही ऑफ कोर्स सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ती है. बट आजकल जो है वो यू नो कोरोना की वजह से सब लोगों ने बड़ी चलाकियां करना शुरू कर दी. चलो हम 10% दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है.
और पंजाब में डेंगू केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है और निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए 5,000 बेड्स जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। और देखें, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। और मैंने सुना है कि यहाँ पर बल्दिया टाउन की साइड पर ये जो पूरा एरिया है, इत्तेहाद टाउन, बल्दिया टाउन, आई गेस सईदाबाद और ये जो मुलहका इलाके हैं, वहाँ पर डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जो जो लोग वहाँ पर रहते हैं एहतियात कीजिए, या जो लोग उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर नदियाँ जो हैं वो करीब हैं, जैसे कि ये मलिक नदी है, इसके जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग स्प्रे खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा कि आपको जगह जगह नज़र आ रही होंगी गाड़ियाँ जो स्प्रे कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोगों ने अपनी भी जो है वो खुद से तैयारी भी करनी है, अपनी मदद भी करनी है, ठीक है। अपनी मदद, आप कहते हैं ना कि जो कौमें अपनी मदद आप करती हैं तो वो हमेशा कामयाब होती है, तो आपने अपनी मदद आप भी करनी है साथ साथ। अगर आपके इलाके में अभी तक कोई भी स्प्रे करने के लिए नहीं आए हैं तो आपने बस इतना सा काम करना है कि आपने एक मच्छर मार स्प्रे ले लेना है, ठीक है। देख लें कि आपके कौन सा लेना है और आप स्प्रे कर लीजिए अपने इर्द गिर्द के यू नो माहौल में, जो भी कोशिश कीजिए कि सफाई हद से ज़्यादा रखें। हद से ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, सिर्फ सफाई रखने का नहीं बोल रही हूँ, हद से ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर हमारा ये बड़ी आदत है ना कि अपने घर के आगे से सफाई करके कचरा जो है वो बराबर वाले घर के आगे डाल दिया, फिर मच्छर तो फिर आना ही है ना, मच्छरों को दावत आप खुद दे रहे हैं। सो इसके बाद बस खाली मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, काम की चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। और अगले साल कह रहे हैं मुल्क भर में सिर्फ वजारत साइंस से मंसूर शुदा मयारी पंखे फरोख्त होंगे, ठीक है। अब ये पता चलेगा उसमें कॉपर है सिल्वर है। अच्छा जी, चले जी, नहीं हाँ हाँ हमें भी पता है सारी चीज़ें, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा जी, चले कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे बाद में, लेकिन पहले आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेरियस की, क्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ मुशावरत करके अपने घर में अहम तब्दीलियां कर सकेंगे, ऐसे में किसी झिझक का शिकार ना हो बल्कि अपने बेहतरीन समाजी ताल्लुकात से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें, खासकर जब किसी करीबी फर्द की जानिब से किसी कारोबार में शमूलियत की पेशकश मौसूल हो तो उसे कबूल कर लें। और आज का दिन तकरीबात में शिरकत करने और अपने आप को पुरसकून रखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन ذاتی سکون سے ہٹ کر آپ کو اپنے اخراجات پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہوگی تاکہ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھ سکیں۔ آپ کے سامنے بہت سارے کام کرنے کے لیے موجود ہوں گے، لیکن آپ کی بار بار توجہ جو ہے اپنے آرام و سکون کی جانب ہی مبذول رہے گی، یعنی کہ بڑے لیزی ہوں گے، کام چور بن جائیں گے آج اب۔ تو چلیں جی، بات کرتے ہیں ہم پائسس کی، پائسس کے لوگوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا۔ تو آج ذہنی طور پر آپ بہت زیادہ مثبت اور مضبوط ارادوں کے حامل ہوں گے اور پوری قوت اور جوش عمل کے ساتھ اپنے اہداف کے حصول میں سرگرم عمل ہوں گے۔ سو آج سیر و تفریح کے لیے بہترین دن ہوگا، لیکن اپنے گھریلو امور اور اپنے پیاروں کی ضروریات سے غافل نہ رہیں۔ شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج جسمانی تھکاوٹ اور جوشیلے پن کی وجہ سے عملی اقدامات کے دوران دوسروں سے ہونے والی بات چیت کے وقت جو بات دل میں آئے وہ کہہ دیں، اس بات سے قطع نظر کے حالات کا تقاضا کیا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھیں اور اپنے نظریاتی مخالفین سے لڑائی جھگڑا مول لینے سے خاص طور پر گریز کریں۔ اور اچھا جی، یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کیسے غلط مشورے دے رہے ہیں، جو دل میں آئے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر تو آپ کی ایسی لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ بس۔ بات کرتے ہیں ایریز کی، ایریز کے لوگوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا۔ آج اپنی پیار بھری سوچوں اور محبت بھرے جذبات کو حقیقت کا روپ دے سکیں گے اور آپ کی کسی سے شادی ہو سکتی ہے جس سے آپ پسند کرتے ہیں، یہ ایریز والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایریز والے جو ہے وہ واقعی میں ایسا ہو بھی جائے آپ لوگوں کے ساتھ، اس لیے خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ اسٹار والے اچھی باتیں بھی نہیں بتاتے، ایسی آپ لوگوں کو پاگل بھی بناتے ہیں، صحیح ہے۔ سو مکمل طور پر کبھی یقین نہ کریں، اپنے رنگین خوابوں کے بارے میں کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ یہ رنگین خواب کون ہوتے ہیں، کیا لکھتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا جی، اور دیکھیں میں نے روانی میں پڑھ بھی لیا، کہتے ہیں لیکن کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو آپ کے لیے نبھانا مشکل ہو جائے۔ اور رنگین خواب ہوں گے جو کلرفل ہوں گے، کچھ لوگوں کو کیا بلیک اینڈ وائٹ خواب بھی آتے ہیں، وہ پرانے زمانے میں رہتے ہوں گے آئی گیس، ہے نا، جو ان کو آتے ہوں گے خواب رنگین یا بلیک اینڈ وائٹ۔ میرے خیال سے جو لوگ 45 اور اس سے پہلے یا اس کے بعد جب تک جو ہے وہ کلرفل ٹی وی نہیں آتا، تو لوگوں کو خواب بھی ایسے آتے تھے کہ بلیک اینڈ وائٹ، لٹرلی عجیب سی بات ہے۔
अच्छा जी, कहते हैं भाई अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर अपने मामलात को बेहतर बनाएं और मोहब्बत के बारे में अपने नज़रियात को हकीकत का रूप देने की कोशिश करें। आज अपने घरेलू अमूर में कामयाबी हासिल करके, अपने कारोबार से माकूल रकम हासिल करके, अपने प्यारों के साथ अपने मुस्तकबिल के बनाए गए मनसूबों को अमली शक्ल आप दे सकते हैं, जबकि किसी दोस्त की जानिब से हौसला अफजाई भी आपकी हो सकती है। बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज जो है, आज आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, ठीक है। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर किसी इत्तेफाक राय रखने वाले फर्द के साथ वक्त गुजार सकेंगे। आज आपकी तख्लीकी सलाहियतें आपको पुरजोश बना सकती हैं, कि जिसकी वजह से आपके कामों में इत्मीनान बख्श कामयाबी का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। अपने घर में किसी किस्म की तब्दीली के लिए बेहतरीन वक्त है। इससे फ़ायदा उठाकर अपने घर की मरम्मत करने और उसकी तज़ईन और आराइश के अलावा अपनी नई तामीराती सरगर्मी भी आप शुरू कर सकते हैं। किसी की लगाई बुझाई में आकर जो है ना, किसी से झगड़ा ना करें, अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा ना करें, बल्कि इत्तेफाक राय से अपने नामुकम्मल अमूर की तकमील करने की कोशिश करें। ये बड़ी काम की बात बताई इन्होंने, लगाई बुझाई करने वाले लोग बहुत होते हैं, आप लोग जरा ख्याल रखा करें। ये लगाई बुझाई करने वाले लोगों से बच के जो है ना, अपने रिलेशंस बचाएं, सच बता रही हूं मैं। बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने लिए मुनाफा बख्श वक्त से आप फायदा उठा सकते हैं और अपने दस्तियाब वक्त को बेहतर अंदाज में तरतीब देने की कोशिश करें और बहुत सारे काम आप मामूल से हटकर कर सकते हैं आप, जिसमें आपको इत्मीनान भी मिलेगा और आप पुरसकून भी होंगे, ठीक है। सो आज अगर आप अपने ज़ाती ख्यालात की हद तक या अपनी जज्बाती हालत की वजह से गैर मुतमईन और बेचैन हैं तो मोहतात रहें, क्योंकि किसी करीबी अफराद के साथ मौजूदा ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। और आज आप अपने हकीकी ख्यालात को बरोए कार लाकर अपने घरेलू अमूर में अहम तब्दीलियाँ कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में कई रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। चलें जी, आपके स्टार्स की तो बात हो गई, आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है हमारे साथ, किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी है। हमदुल्ला वाला खेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ अरशद मरी, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला वाला खेल कहते हैं, इंसान की पहली तरजीह इज्जत होनी चाहिए, रिश्ता चाहे कोई भी हो, जो बात है, रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, साथ साथ रिस्पेक्ट फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्रीड। और साथ साथ हमदुल्ला वाला खेल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके तमाम दोस्तों का जो हमें सुन रहे हैं आपके साथ, क्या बात है। अच्छा जी, मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मोहसिन, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए, आमीन तमामीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अब अमार शहजाद तारोट कहते हैं, देखिए आप कितने रिपीट कह रही, कितनी तेज़ी में रवानी से पढ़ी है ना मैंने आपका नाम आज, कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ब्यूटीफुल आरजे, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, एंड वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवाब स्टील कहते हैं, नवाब स्टील वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई, असली नाम बताया करो अपना। काशिफ अली मलिक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और कहते हैं खुश आमदेद आपको, बहुत सी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत और सलामती के साथ, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान हमीद कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे कहते हैं हा हा हा, ये अमी टॉपिक चलें, आप पसंद का टॉपिक आ गया ना, बात करें। अब ये जो रब नवाज़ है ना, तो ये जो है वो कह रहे हैं वीज़े के लिए फ्री अप्लाई करें, तो देखें फ्री में यहाँ पे सिर्फ बंदा बैन होता है, ठीक है, कमेंट तो होते ही हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिला वजह में ये अपनी प्रमोशन करते रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, सही है। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान हमीद कहते हैं नाइस शो, कलर सईदा से सुनते हैं, ऑसम, चलें बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कहते हैं क्या हाल है फरहाना, अभी ये जीजू की आईडी है, मेरा नाम खुशी है, चलो खुशी, ठीक है। अब जब आईडी ले लिए तो मैं तो तुम्हें बोलती हूँ कि नाम चेंज करो इस पर, जब आईडी तुमने ले ही लिए तो, या तो फिर अपनी अलग आईडी बना लो, सीधी सी बात है। अच्छा जी, और इसके अलावा अच्छा जी, एहसान हमीद बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक टू पर यासिर गोल कपे, अरे अपना बताना है भाई, किसी और का नहीं बताना, अपना बताना है। मोहसिन दादा होशियारी नहीं करो, चलो अपना बताओ, सबके नाम लिखे, ये तो मैंने एग्जांपल्स दी थी आप लोगों को। आपको गलत समझ आया है। अपने नाम के साथ लगाना है, ठीक है, किसी और के नाम के साथ नहीं लगाना, हाँ होशियार। अच्छा जी, शाहजेब राजा कहते हैं मोस्ट वेलकम सिस्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहमद रजा मेहमद, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सैयद साहब आपसे गुजारिश है कि मिलाद शरीफ का महीना है, एक टॉपिक मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनवान पर भी रख दें, देखें इस पर एक प्रॉपर शो होगा जो कि हुमैरा करने वाली हैं इंशाल्लाह, ठीक है।
मे बी ऑन 11 और मे बी ऑन 12th, सही है, यानी कि मंडे या फिर ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को है 12 रबी अव्वल का दिन, तो मे बी मंडे को हो या फिर वो ट्यूसडे को. ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब राजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आज़ाद कश्मीर से सुनते हैं, क्या बात है. अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सैयदा फरहाना अली. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप जो सुबह सुबह महफिल सजाती हैं और चहचहाती हैं, यकीन माने सुकून मिलता है और दिल से ये आवाज़ निकलती है कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है. तुम चीज़ हो क्या खुद तुम्हें मालूम नहीं है. वालेकुम अस्सलाम, चलिए जी बहुत शुक्रिया. देखें बस आप लोगों की मोहब्बत जो है ना सुबह सुबह मुझे जो है वो यू नो लेके आ जाती है यहाँ. काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे अरे आपने मुझे समोसा कहा, आपका बताऊँ हरे टमाटर जैसी फरहाना. हरे टमाटर जैसी, हरे टमाटर लो आप भी ना, कैसी बातें करते हैं आप लोग. मोहम्मद इरफान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. एहसन हमीद बहुत शुक्रिया. राना इमरान राजपूत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फरहाना, क्या हाल हैं, हंसती रहें मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की खुशियां दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राना इमरान मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे. मोहम्मद फराज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और आपके घर में सब कैसे हैं. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी. राना मनन राजपूत कहते हैं खूबसूरती अच्छी शक्ल में नहीं होती, सबसे असल खूबसूरती आपका रवैया, अच्छा अखलाक और दूसरों को इज्जत और एहतराम देना है, बेशक ऐसा ही है. और शहजाद हनीफ कहते हैं अभी गुड मॉर्निंग, लेकिन मुझे नींद आ रही है लेकिन शो भी नहीं छोड़ सकता. बस देखो नींद और शो में से किसी एक को चुनना पड़े तो सिर्फ और सिर्फ शो को चुनना सही है. सही है ना. अच्छा साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि मेरे नाम के साथ फराज स्ट्रॉबेरी, सो स्ट्रॉबेरी माय फेवरेट, दैट्स व्हाई लो. अच्छा चलो सही है, फराज स्ट्रॉबेरी. सही है. राना इमरान राजपूत कहते हैं आज सब दोस्त आबिद बिरयानी पे आ जाना, पार्टी है. आबिद बिरयानी ये कहाँ हो रहे भाई. नाजिर वरमानी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सैयद जुनेद शाह वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, मुल्तान से सुनते हैं. और राना इमरान कहते हैं सिस्टर हमारे बल्दिया में डेंगू का कोई चक्कर नहीं है, आपको किसने कह दिया. खबरों ने कह दिया मुझे, न्यूज़ देखी थी मैंने, तभी कह रही हूँ. हो सकता है आपको नहीं पता हो, आपके एरिया में नहीं हो लेकिन आसपास के इलाकों में हो ऐसा. सो अच्छा जी सैयद जुनेद शाह कहते हैं नाइस शो फ्रॉम मुल्तान. मोहम्मद फराज कहते हैं और आपके नाम के साथ फरहाना आलू गोश्त, बस कर दो अपना बताओ. बता रही हूँ मैं ऐसे ऐसे नाम रखूंगी ना तुम लोग, फिर और फिर एक दफा नहीं रखूंगी सिर्फ आज के लिए, हर शो में लेती रहूंगी नाम, बता रही हूँ. बहुत बुरी हूँ मैं रिकॉर्ड लगाने में. और साथ साथ काशिफ रोज आओगे तुम लोग. हाँ बता रही हूँ. काशिफ वाली वाले कहते हैं अल्लाह पाक की नेक बंदी, अब अच्छे से साफी की क्या बात करती हो, यहाँ एक आईडी नजर आएगी आपको देखना सही. क्या एक अच्छे से साफी की बात करती हूँ, मतलब क्या सही से मुंह भी नहीं धोया और डीपी तस्वीर लगा दी, समझ जाना किसकी बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा सही है. और अच्छा सफाई ही लिखा है आपने, इतनी गलत उर्दू लिखते हैं ना आप लोग की. बस सही है जुनेशा कहते हैं योर वॉइस इज सो स्वीट, ओके थैंक यू सो मच. और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर तेरे वादे अगर वफा होते हम भी इश्क वफा में मुंह धोते. सही है. और नजमा नौशाही कहती हैं वो रिश्ता नहीं रहा, उससे अब शिकायत नहीं करूँगा मैं. अच्छा बड़ी हंसी आई है मुझे इस पर. काशिफ अली मलिक कहते हैं कि हमारे यासिर भाई ने आपको सलाम कहा है, बोल रहे थे मेरी आप ही को सलाम बोलना, तो यासिर भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं आपके लिए यासिर भाई की तरफ से. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया यासिर भाई, खुद कहाँ चले गए जो आपसे सलाम कहलवा रहे हैं. सलीम शेख बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग. सासत पश्मीना नास कहती हैं कि गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. आप बताइए आप कैसी हैं, ठीक है खैरियत से. मुन्नी कैसी है, मुन्नी को कहना आज कॉल करें. नजमा नौशाही वालेकुम अस्सलाम कहती हैं, फैजलाबाद से सुनती हैं, क्या बात है. और नजमा नौशाही कहते हैं अस्सलाम नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सलाम भी जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई. मोहसिन जागत कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आपकी दुआओं से. अच्छा जी नजमा नौशाही आप नहीं है मेरे ख्याल से, चलें जी अच्छी बात है, आदत हो जाएगी आपको हमारी. नवाब अच्छा जी कहती हैं क्या नाम था, ये खुशी है ना ये, हाँ वो दूसरी वाली खुशी है, सही है. राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर हमारे बल्दिया में मलिक समोसा शॉप है और काशिफ भाई आ जाओ समोसे खा लो. चलें जी ठीक हो गया. अहमद रजा कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. राना इमरान राजपूत कहते हैं कि ओके
चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर, आबिद चावल और आबिद बेवक्त की भूख। हाँ ये सही है। नदीम सईद कहते हैं कि एक्सीलेंट शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और मोहसिन लियागत कहते हैं ओके ओके मोहसिन दिल जले। हाँ ये हुई ना बात, देखो फिल्म का नाम भी लगा सकते हैं बिल्कुल जी, प्रोफेशन का नाम भी लगा सकते हैं, किसी ड्रामे का नाम भी लगा सकते हैं, किसी गाने का नाम भी लगा सकते हैं, बस इंटरेस्टिंग बनाना। अच्छा जी काशी वाली हमारी कहते हैं कि आईडी पर अपना नाम लिखें ताकि फराज भाई और अली भाई उन्हें मैसेज करते रहें और रोने लगेंगे और बोलेंगे कि जवाब तो दो खुशी। नाथी राम सौदा कहते हैं फरहान अली जी हंसते हंसते नमस्ते, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन मीनो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं कि बच्चों हम कुछ नहीं जानते, आपको मंगल यानी मिलाद मुस्तफ़ा वाले दिन शो ज़रूर करना है, बस हाँ कहें हाँ, नहीं नहीं तो मतलब नहीं, ठीक है साथ साथ नहीं भाई, क्या हो गया आप लोगों को। ज़ायदा आकाश कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आप ही जान, जाहिद आकाश अच्छा सही लिखा है आपने नाम आगे, बिल्कुल सही है। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक वन रिपीट कीजिएगा, टॉपिक वन है तेरे वादे अगर वफा होते, आपने नेक्स्ट लाइन जो बतानी है शेर की वो फ़नी होनी चाहिए, ठीक है। और राना इमरान राजपूत बहुत शुक्रिया, फरहाना सिस्टर दुआ के लिए खुश रहो, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं अरे डीपी कैसी लगी, अब तो कोई फिल्टर भी नहीं लगाया, इतना टाइम नहीं, तुम्हारी डीपी खोल के देखेंगे। आमिर फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम न्यू कराची से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हम तो अपनी डीपी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगा के भूल जाते हैं, वो खोल के नहीं देखते, दूसरों की डीपी खोल के देखेंगे, क्या बात कर रहे हो। तो अच्छा जी मोहम्मद फरमान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नजमा नौशाही कहते हैं कि लगता है कि मेरा मैसेज शो नहीं हो रहा, बिल्कुल जी आपका मैसेज शो हो गया, हमने पढ़ भी लिया है। और साथ साथ अब्दुल सलाम जागीरानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम स्वीट आरजे एंड ऑल लिसनर्स को सलाम, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। आई एम समी जागीरानी फ्रॉम सिंध खैरपुर। फजूल टॉपिक रखो, आप लोग कितने एक्टिव हो जाते हैं ना, काम की बातें आप लोगों से नहीं होती है, बिल्कुल देख लिया भाई मैंने, देख लिया सही है। सुमर खान अब आप लोगों के लिए फजूल टॉपिक लेकर आएंगे, काम की बातें आप लोगों को समझ कौन सी आनी है। कहते हैं मेरे चाचा आपको सलाम कहते हैं और शब्बीर भी, चले जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके चाचा को और चाचा सही है। आबिद अमीर कहते हैं थ्री डे अगो बिग बिग कप आ रहे हैं अपना वर्ल्ड कप। भाई देखें आबिद अमीर उर्दू में लिखते हैं या तो इंग्लिश में लिख दें, ये ना करें कि थ्री डे अगो बिग बिग कप आ रही अपना, क्या है भाई क्या है, मतलब क्या है ये। पश्मीना नाज कहती हैं कि मुन्नी ने और महक ने कहा है कि टॉपिक पे रिदा खीर महक मैंगो। सही है। अच्छा जी राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर आज रख दो इनके नाम टमाटर समोसे पकोड़े जलेबी। इतने अच्छे नाम रखे इन लोगों के, इनके नाम तो रखने चाहिए करेले भिंडी मटर। इन लोग ये नाम रखने चाहिए। सरफराज अली कहते हैं चुल्ले मुझे भी अपने सजदे करने वालों में, ए अल्लाह कब तक भागता रहूँगा तुझसे तेरी ही दुनिया में। देखें अल्लाह ताला ने तो हर किसी को सजदा करने की तौफीक दी है, वो एक अलग बात है कि हम खुद जो है वो सजदा नहीं करते ना अल्लाह ताला के आगे। तो अगर आप सिर्फ दुआएं करते रहेंगे ऐसे कि हमें जो है अल्लाह ताला सजदा करने की तौफीक दे, खुद नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, टाइम नहीं निकालेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कभी भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। पश्मीना नाज कहते हैं कि मुन्नी और महक ने सबको सलाम कहा है, चलें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सलीम शेख कहते हैं आपको फ्राइडे क्या फ्राई आलू कहूँ कहता है, हैं अपने नाम को बताएं भाई, बता रही हूँ मैं, मेरे नाम के पीछे नहीं पड़ना। बता रही हूँ। सरफराज अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सैयदा जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अली जो है ना यहाँ पे आके सैयदा जी करता है और कॉल पर आएगा जो आप ही करेगा। बेटा सुधर जाओ, अपनी हरकतें छोड़ दो तुम। काशी वाली वाली कहते हैं उनके पास मोबाइल नहीं है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसलिए मुझे कहा था, चलें जी अल्लाह ताला उनको कामयाब करे अगर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक टू पर कई सारे हैं पर सबसे ऊपर है लिस्ट में मसूद मस्ताना। मैंने इंडिया में एक फरहाना बुटीक खोलने को कहा है, अपनी छोटी बेटी से कह दिया है। क्या बात है, चलें जी हाँ खोलें, देखें फरहाना बुटीक खोलें ना आप मेरे नाम से, क्या बात है, इंशाल्लाह देखें कामयाबियाँ जो है ना वो बस कामयाबियाँ होंगी आपकी बुटीक में बस। आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी मिर्च खाकर शो करने वाली आरजे, वालेकुम अस्सलाम। मिर्च खा के तो मैं शो करती ही हूँ ना।
कुछ बातें ही मिर्चों जैसी होती हैं जिसकी वजह से मिर्चे वाली बातें निकल जाती हैं, सही है तो बट इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, एक्शन का ही रिएक्शन होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि कहीं से कुछ कहा जाता है तो फिर जवाब मिलता है, ऐसे थोड़ी ना। अच्छा जी कहते हैं हाँ बच्चों गर्ल्स के लिए शिमला मिर्च, बुजुर्गों के लिए यमी तली हुई मिर्च, और हम लड़कों के लिए कश्मीरी मिर्च खा कर बात करती हैं आप। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मैं बताऊं आप लोगों को, मिर्च बहुत कम खाती हूं मैं। नजमा नौशाही कहते हैं कि मैं 50 साल से रेडियो सुन रही हूं, इंटरनेशनल लिसनर हूं, पूरी दुनिया के रेडियो सुना है मैंने। 50 साल से आपकी उम्र क्या है ज़रा ये भी तो बताइएगा। मेरे ख्याल से फिर आप तकरीबन कोई 65 इतनी तो होगी ना, इतनी तो होगी अगर 50 साल से रेडियो सुन रही हैं तो। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। काशिफ वाली वाले कहते हैं काशिफ हातिम, हातिम बस कर दो हातिम। साथ साथ बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, और इसके अलावा मोहम्मद फराज कहते हैं कि काशिफ भाई मैं तो नहीं करूँगा मैसेज लेकिन आपका नहीं मालूम। सही है भाई, चलो सही है, एक दूसरे के ऊपर डालो बातें। ओके वफा मुहर्रम अली शेर कहते हैं सलाम हाउ आर यू, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली कहते हैं टॉपिक वन पर जवाब है, तेरे वादे वफा होते अगर तूने सच्ची मोहब्बत की। अली मैंने पहले ही कहा है कि फ़नी आंसर चाहिए मुझे, कोई रोता हुआ आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। सो पहले सुना करो बात को, मैंने पहले ही कहा है कि फ़नी लाइन चाहिए मुझे, फ़नी लाइन चाहिए, ठीक है। नदी राम सादा कहते हैं मसूद अहमद सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि देख लिया आपने, और वैसे अच्छी बात है, देखना भी मत, अल्लाह बचाए बुरी नज़र से। सही बात है, तुम लोगों की बुरी नज़रों से तो हर लड़की को अल्लाह बचाए। और जाहिद आकाश कहते हैं कि तेरे वादे अगर वफा होते तो आज हम कहीं और दफा होते। अच्छा सही है। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक वन पर आपके वादे अगर वफा होते हम भी आपके हाथ की बिरयानी खा चुके होते। अच्छा मैं वादे करती नहीं हूँ जो वफा ना कर सकूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करती कि जिसको मैं निभा नहीं सकूँ, ठीक है। अच्छा जी ओके मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसन हमीद कहते हैं कि माई फादर अब्दुल हमीद कलर सैदा से बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं फरी कभी का ही पड़ोसी मुल्क की मूवीज़ कितनी मानी खेज होती हैं ना, तालीम की उम्र या क्या आगे बढ़ने के हवाले से अच्छा टॉपिक होते हैं, बट हमारे यहाँ टॉपिक नहीं शायद लोगों के पास है ना। सही बात है, हमारे यहाँ तो बस वही मेरे पास तुम हो और तुम्हारे पास मैं हूँ, बस इसी पटके रहते हैं बस, और ज़िंदगी में कुछ नहीं है। काशवनी मैंने कहता है अरे देखूँ इस भाई को, अच्छा रियलिटी नहीं दिखाते टीवी में जो है ना, अब ड्रामा जो होते हैं वो उसमें आप जितने भी ड्रामास देख लेना कभी उसमें रियलिटी नहीं दिखाएंगे, उसमें वो बात दिखाएंगे जो इंतहाई लेवल की होगी, जो शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं चीज़ें वो दिखाते हैं हद से ज़्यादा। काशिफ अली मलिक कहते हैं देखो इस भाई को, डीपी जो बोल रहे हैं डीपी का उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा सही है। मैं पहले ही समझ गई थी आप क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। असलम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम दुनियापुर से हमें सुनते हैं, क्या बात है। अमर रमेश कुमार खत्री कहते हैं कि टेलर मास्टर हैं, बहुत शुक्रिया भाई, कल भी मैंने गाने प्ले नहीं किए थे आप लोगों की बातों के चक्कर में, चलें गाने की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे इसके बाद और फिर आपसे बातें करेंगे, कमेंट्स को शामिल करेंगे। और गाना हमने जो चूज़ किया था प्ले करने के लिए दिस इज़, चलें जी बिलाल ख़ान की आवाज़ को शामिल करते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि हमने नहीं सुना है, सो चलें जी आज सुन लेते हैं, इतनी सी बात है और नहीं तो क्या। सो आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, किस किस को याद है गाना, रेज योर हैंड्स। तन्हाई के सफर में चलना सबर से, कोई ना नजर में, हाँ जब ख्वाब में छोड़ जाए सोचों को निभा ना पाए, दिन वो याद आए ना, खता हो गई सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या, मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना, मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना, जगमगाती हुई रात ये लपे हैं शिकायतें,
कोई नहीं मुझको सुन रहा, वो ढलता दिन मजबूर है, मंजिल जरा दूर है, बुझ रहा उम्मीदों का चिराग, खता हो गई सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या, मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना, मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना, वापस आ चुके हैं एंड इट्स 58 मिनट्स पास्ट 9 ऑन द डायल राइट नाउ. 10 बजे के बाद आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, 10 बजे से पहले कोई कॉल नहीं करेगा, वैसे 2 मिनट ही हैं, सो 10 बजे के बाद, ठीक है ना. सो हमने आपसे पूछा है भाई, आपने एक लाइन कंप्लीट करनी है, मतलब एक लाइन और ऐड करनी है, और लाइन शुड बी वेरी फनी राइट. सो आपने बताना है तेरे वादे अगर वफा होते नेक्स्ट लाइन क्या होगी. साथ साथ आपने अपने नाम के साथ कोई भी खाने का नाम लगाना है, प्रोफेशन का नाम लगाना है, मूवी का नाम लगाना है, ड्रामे का नाम लगाना है, सॉन्ग का कोई सॉन्ग की लाइन लगानी है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू बट इट शुड बी वेरी फनी. सो चैलेंज जी, कमेंट्स बहुत सारे हैं, उनको भी साथ साथ शामिल करते हैं. आपके स्टार्स की बात करते हैं फिर कॉल्स को मैं शामिल करूंगी. अच्छा जी, कैंसेरियंस की बात करते हैं. कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके लिए अपने सैरो तफरी के जज्बात की शिद्दत से नबर्द आजमा होना आसान काम ना होगा. उसके अलावा किसी खास मौजू पर होने वाली गुफ्तगू आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मैसर आ सकेगा. आज किसी अहम फर्ज से मुलाकात हो सकती है और लेकिन आपका दिल किसी से गुफ्तगू करने की जानिब माइल ना हो तो अपनी अहम मुलाकातों और कारोबारी सरगर्मी को मुलतवी कर दें, लेकिन अपनी तवज्जो तलब अहम अमूर को फिलहाल मुलतवी करने की गलती ना करें. इन सब बातों के बावजूद आप अपने घरेलू अमूर में कामयाबी हासिल कर सकेंगे. शाम में दूसरे शहर से आने वाले मेहमान खुशी का बाइस बन सकते हैं. बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. एंड आज दूसरों से बाहमी समाजी और कारोबारी ताल्लुकात में गर्म जोशी पैदा हो सकेगी. अपने लाइफ पार्टनर की जानिब से हौसला अफजाई होने के अलावा मुकम्मल तावुन भी मैसर आ सकेगा. ठीक हो गया और व्हाट आई हैव लॉस्ट फ्रॉम हेयर राइट नाउ, बल्कि नहीं, ठीक है. अच्छा जी ओके. So, आज आपकी शख्सियत दूसरों की तवज्जो का मरकज बन सकेगी, उसके लिए आपको किसी खास मेहनत से काम ना लेना पड़ेगा. जबकि आज किसी नए कारोबारी मुहिदे पर दस्तखत करने में हिचकिचाहट से काम ना लें, बल्कि अपने वजदान पर भरोसा करते हुए अपने घर के बारे में कोई अहम फैसला कर सकेंगे कि जिसकी वजह से दूसरों के मुस्बत तासुरात का आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे, ठीक है. इसी तरह से आपके बाहमी ताल्लुकात भी जो है वो मजीद बेहतर हो जाएंगे. चलिए आपके कॉमेंट्स को शामिल करते हैं फिर आपकी कॉल्स को लेते हैं.
अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं उफ अल्लाह अब क्या कहूँ फिर, बस बोंगे नहीं मारू अली। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आरजे आजम रजाक भाई ने भी आपको एक मैसेज किया था, आपको नहीं मिला। अच्छा नहीं, वाकई मुझे कमेंट नजर नहीं आया। चलें जी आजम, बहुत शुक्रिया अगर आप सुन रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय शो, अप्रिशिएटेड। अच्छा जी, और मोहम्मद अली कहते हैं ओके ओके, कहता हूँ सैयदा आपी जी अली, बस कर दो, मांगी हुई चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, चाहे वो रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो। और तो इसलिए तुम्हें सैयदा जी ही कहो, अब तुम आप ही लगाया ना तुम्हें, तो बस बहुत तुम्हारी अब जो है ना खैर नहीं है। अच्छा जी, चलें जी कॉल को शामिल करेंगे 03216603 03 से नंबर टू कॉल, ठीक है। तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, नए हो पुराने हो, जिनसे बहुत बार बार बात हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, या बस जो भी है। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा हाँ, आपकी पहली कॉल लग गई आज, वाह क्या बात है। पहले जुमरात को भी मैंने लगाया था, मंडे के दिन भी लगाया था, इस बार भी मैंने चांस लिया आपके शो में। सही है, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल, आज आपने माशाल्लाह के साथ साथ आप लाइक भी कर लेते हो कमेंट, बहुत अच्छा लगता है ना। बस ये मैंने काफी टाइम से स्टार्ट कर दिया ये, तो मैंने सोचा कि लाइक कर दे ताकि पता चल जाए कि हमने कौन से कॉमेंट जो है वो शामिल कर लिए। हाँ मैं बिल्कुल, बस घर में तो अपने नाम के ड्राई फ्रूट का नाम रखूंगा। सही है। और अभी तो सर्दी भी ज्यादा शुरू हो गई, सर्दी ज्यादा शुरू हो गई है। सुबह जब मैं आता हूँ सर बाइक पे, आप बहुत ज्यादा ठंड हो तो फिर बाइक को मैं सीट पे खड़ा कर लेता हूँ, फिर जो है मैं इंजन पे हाथ गर्म कर लेता हूँ, चला जाता। सही है। अच्छा सही है भाई, सही है। और दूसरा सवाल के सेंटर की, अगर आप मेरे वफा करते तो मैं आपको सेंटेंस तौर से एक बार रिपीट करें सिस्टर। क्या आप नहीं, तेरे वादे अगर वफा होते तो, अगर तेरी वादे वफा होते तो मैं आज मलंग नहीं होता। मलंग नहीं होता, सही है, ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? और बिल्कुल, बस माशाल्लाह आपको शो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ ग्रुपों पे भी शेयर किया, अपना वाल पे भी शेयर किया, ताकि सब आपकी आरजे फरहाना की शो सुने। सही बात है, बस उनको कहना कि बस रिपोर्ट नहीं करना हमारे पेज पे आके। नहीं नहीं इंशाल्लाह कोई भी। चलो बस, सही, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखिए, सलामत रखिए। हाफिज हाफिज। 4 मिनट की कॉल होगी, पहले बता रही हूँ, 4 मिनट, 4 मिनट के बाद ना हर किसी की कॉल ड्रॉप हो जाएगी। सो चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राबिया, कैसी हो तुम? आ गई। मैं आप कैसी हो? मैं एकदम जबरदस्त। तुम अभी तक गांव में ही हो या वापस आ गई हो? नहीं गांव में हूँ लेकिन बीमार हो। बीमार हो, चलो भाई अपना ख्याल रखो, गेट वेल सून। इतनी सर्दी है, इधर बारिशें भी होती है। अच्छा है, हाँ बारिश नहीं होती, हमें तो पता ही नहीं कि बारिश भी कोई चीज है कराची में, पता नहीं चलता। हाँ बाकी कराची का मौसम तो बेस्ट है ना, तो इसलिए तो कराची बेस्ट है। कराची में बेस्ट लोग रहेंगे तो फिर बेस्ट चीजें होंगी ना कराची में। हाँ हाँ, बेस्ट ही कहेंगे, क्या करें, बेस्ट नहीं कहेंगे तो क्या करें। क्यों भाई, है बेस्ट कहेंगे, नहीं है बस है। हाँ हाँ है तो है। अच्छा हाँ, तो बताओ क्या कहोगी? मैं अपनी नाम ना राबिया मैंगो, राबिया मैंगो, क्योंकि मैं चोरी चोरी भी गाती हूँ। हाँ तुम फ्रिज में से चुरा चुरा के खाती हो। सही है। और इसके अलावा तेरी वादों में गए वफा होती तो इसको रहने दे, रहने दो इसको, फनी लाइन बनाने दी यार लड़की, फनी। चलो ठीक है। अच्छा, तुमसे तो बनी भी नहीं बनेगी। हाँ हाँ, कोई मोबाइल भी नहीं दे रहा सुनने के लिए, इतना मुझे चले दे देना, पढ़ाना का शो सुनती है। हाँ अच्छा, तो कौन है तुम्हें मोबाइल नहीं देता, सामने लेकर आओ इसको। बोलते ये रेडियो पे सुनो, इधर जो होते हैं ना यही सुनो। अच्छा मुझे नहीं, मैंने सुना। बोलो कि देखो एक बार तुम फरहाना का शो सुनो, उनको भी मेरा शो सुनाओ सबको। हाँ ये तो करते हो लेकिन वो बस तवज्जो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते बेचारे। लोगों को ना हीरे की कदर नहीं होती, कोई बात नहीं, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी कर सकता है, छोड़ दो बस। हाँ सही है। अच्छा बताओ और आपके लिए क्या लेके आओगा सविता? बस आप मेरे लिए दुआएं लेकर आ जाए वहाँ पे सबसे, दुआ तो देती रहती है, ये काफी है।
अच्छा, सही है। सबसे ज्यादा मुझे दुआओं की जरूरत है, सही है, दुआएं ही बहुत हैं। जी, दुआएं अनमोल होती है ना, चीजें तो इस्तेमाल करके बंदा खर्च कर देता है। हाँ, लेकिन कोई अगर कोई आपको ना कोई चीज देखना, वो भी अनमोल होती है, कोई कोई जब दे रहे वो अनमोल होती है। सही है, सही, बहुत अच्छी बात की। नहीं, वाकई ऐसा आपने सच कहा, ऐसे ही होता है। और बताएं, और क्या बताऊं, बस सबको सलाम, खुशी को, वालेकुम सलाम, भाई को, अंकल को, रमजान सबको, बस। चले जी, वालेकुम अस्सलाम, सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया राबिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं नॉटी मोहम्मद फराज तो मुझे बाल बिर लगते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है? और अच्छा जी, साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं अल्लाह बचाए लड़कों को लड़कियों की बुरी नजर से, और जालिम नजरों से बचाए, बस कर दो लड़कियों को, तुम लोगों से बचाए, तुम लोगों की नजरों से बचाए अल्लाह ताला। सही है, मोहम्मद फराज कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्यों अल्लाह अल्लाह, हाँ अच्छी बात है, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, बस तौबा करते रहो। सही है, मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक टू पर जवाब होगा अली दिल जला, ओके शाका। सही है, शाका भी रख लेना अपना नाम। सही है, बस किसी को किडनैप नहीं करना। देखते हैं कौन है मर्शद लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है मेरे साथ, नाम बताइएगा जी। मैं उरूसा। उरूसा, उरूसा से मेरे ख्याल से पहली बात हो चुकी है। नहीं नहीं, आपसे पहली बार बात हो रही है। पहली बार बात हो रही है, अच्छा ठीक है। उरूसा, हाँ तो कैसी हैं आप उरूसा, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम जबरदस्त, बहुत प्यारी सी। हाँ तो उरूसा, कितनी बार मैं ट्राई किया, फाइनली कल से ट्राई कर रही हूँ, अब कॉल लग गई। मुझे नहीं पता, प्लीज आप बताएंगी तो मुझे पता चलेगा, बताइए ना, सुनना चाहती हूँ मैं। वही मैं बता रही हूँ, मैं कल से ट्राई कर रही हूँ तो अब लग गई ना कॉल। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा हाँ तो बताइए क्या कहेंगी, चले फाइनली कॉल लग गई आपकी। कितने टाइम से सुन रही हैं आप मेरा शो? भी कोई शायद दूसरा हफ्ता है, शो दूसरा हफ्ता है आपका। अरे वाह, चलो सही है, जबरदस्त हो गया। वो पहले तो मैं शो नहीं सुनती थी ना, तो मैं सिर्फ एक आरजे उनका शो सुनती थी। अच्छा, तो फिर अचानक से मैंने हुमैरा आप ही का शो सुना। हाँ। तो उसमें सब के फराना बाजी कब आएंगी, फराना आप ही कब आएंगी। हाँ। तो मैंने कहा ये कौन है, इसका शो तो सुनना ही होगा। मैंने अच्छा, आप तुम जिसका शो लाजमन सुनना है कि हाँ, है कौन सब इसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने आपका शो सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तब मैं रेगुलर शो सुनती हूँ। अरे वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और बताइए क्या कहेंगी टॉपिक पर। अच्छा टॉपिक, वो जो शेर कम्प्लीट करना है ना, वो तो फनी है, मुझे याद ही नहीं कुछ। मैं जो दूसरा वो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ये है कि आपने अपने नाम के आगे किसी खाने पीने की चीज का नाम लगाना है, किसी डिश का नाम लगाना है, किसी गाने का नाम लगाना है, या मूवी का नाम लगाना है, या किसी भी शोबे का नाम। अच्छा, लगाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ, तो उरूसा बिरयानी। उरूसा बिरयानी, सही है, चटपटी या वो वाली जो लोग पुलाव को भी कहते हैं ना बिरयानी। कुछ लोगों का पुलाव बिरयानी होता है। वो वाली तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं, चिकन बिरयानी। अच्छा चिकन बिरयानी, ओह आई लव चिकन बिरयानी। सही है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगी उरूसा? और बस आप हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और आपको बहुत बहुत खुश रखें, और आपके तमाम लिसनर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा उरूसा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, नहीं ऐसी रहूंगी मैं, नहीं बदलती, मैं ऐसे ही रहती हूँ, कुछ भी हो जाए। हाँ कभी कभी हो जाता है और चीज़ें, बट मैं ऐसी ही रहती हूँ, ठीक है ना। फरहाना ने कभी नहीं बदलना, एटलीस्ट मैं किसी के लिए भी नहीं बदलती, और वो एक अलग बात, मैं बात करूँ ना करूँ, देख के इग्नोर कर दूँ, लेकिन मैं बदलती नहीं हूँ, मेरा दिल किसी के लिए नहीं बदलता। चीज़ें मुझे बहुत सारी बुरी भी लग जाती हैं ऑफकोर्स, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बस ऐसे ही हूँ।
چلیں جی کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے انکل, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں انکل؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. نہیں, پھانسی آ گئی. آپ کو فلو بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ؟ خوشی ہوئی نا. نہیں, مجھے خوشی ہو گئی ایک دم سے نا, تو پھانسی آ گئی. لیکن آپ کی آواز سے تو پتا چل رہا ہے انکل کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ میں کیا بولوں ابھی آپ کو, اتنا غصہ آ رہا ہے نا مجھے آپ پہ. اچھا, نکال دیں انکل غصہ, لوگ بھی نکال دیں, آپ بھی نکال لیں. لوگ اور ہیں انکل, ارے اونر کہہ سکتے, انکل اونر نہیں کہہ سکتے نا, مسئلہ تو یہی ہے. ارے ارے انکل اگر کان کھینچے گا نا تو گھر پہ آ کے اکیلے میں. اچھا, صحیح, بٹیا کی بھی تو کوئی ویلیو ہے نا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بس انکل کی عزت رہے نہ رہے, بٹیا کی عزت. ارے نہیں انکل, ایسی بات نہ کریں پلیز, آپ مجھے شرمندہ مت کیا کریں ایسی باتیں کر کے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بٹیا بٹیا ہوتی ہے, اب بٹیا ماشاء اللہ سمجھدار ہو گئی ہے. بالکل, اب ہم بٹیا کو ڈانٹ سکتے ہیں کیا؟ بالکل ڈانٹ سکتے ہیں. نہیں نہ, اب تو بٹیا ہمیں مشورہ دے گی ماشاء اللہ. ارے ارے نہ کریں, بڑی ہو گئی. ارے نہ کریں, نہ کریں کیا, نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, یہ ٹیوزڈے 12 اکتوبر کو جی ایک اپنے عزیز انکل صاحب نے آپ کو بتایا تھا. ہاں جی, آئل اور پانی کا, آئل اور نمک کا بتایا تھا. ہاں جی, آئل اور واٹر کہا تھا. اچھا, نمک نہیں کہا تھا انہوں نے؟ نمک ہوت کیجیے. اچھا چلیں, وہ لاہوری نمک کہا تھا انہوں نے. ہاں ہاں, اور آئل جو کہا تھا پیلی سرسوں کا کہا تھا. ہاں جی, مجھے ایک لفظ یاد ہے, یاد مت جائیں بچیا. اچھا اچھا, صحیح ہے صحیح ہے. نہیں میں بھلکڑ ہوں, میں مانتی ہوں اس بات کو, میں بھول جاتی ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی ہے, ان کی محبت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر آپ کو مطلب کہ ہاتھ میں اگر کٹ لگ گئی ہے, بلڈ نکلا ہے, تو وہاں پہ نہ تو آپ آئل لگائیں گے اور نہ ہی پانی لگائیں گے. اگر ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے پھر اللہ نہ کرے پش ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو جب آف کورس جب وہ زخم ہوتا ہے وہ تب کی بات ہے, اب تو وہ ٹھیک ہو چکا ہے, اس کی بات کا انہوں نے بتایا. اچھا, یہ 12 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں, 12 اکتوبر جی جی. بار بار میں نہیں بولوں گا. ہاں جی, اس لیے کیونکہ 13 اکتوبر کا میں نے شو ابھی تک اپلوڈ کیا نہیں انکل. ربزاد بلی, ہاں انہوں نے بھائی جو بات کی وہ اپنے مشینری والی اور کھیتوں والی, بہت اچھی بات کی, بڑا لیسن فل مارک, بہت اس میں بڑا اچھا اچھا سبق ملا ہم کو. بالکل. اچھا, مس روزلین آئی تھی ماؤتھ, یہ ماسٹر آف مارک ماؤتھ آرگن, انہوں نے مجھے یاد کیا سویٹ انکل کے نام سے. مجھے یاد ہے انہوں نے 6 جولائی کو میرے برتھ ڈے پہ میرا یہ نام رکھا ہے, تو بھائی ان کا بہت بہت شکریہ, اور ان کو بولیں یہ آیا کریں. ہلو, ہم تو کہتے ہیں کہ آیا کریں, وہ اصل میں کال نہیں لگ پاتی ہے ان کی, وہ کہتی ہیں میں بہت ٹرائی کرتی ہوں بزی ہوتا ہے. ان کو بتائیں نا انکل کی طرح کال ملا, روز کال ملے گی. ہاں انکل کے پاس فوراً ڈائل کر لیں مس روزلین, بس جیسے انکل کی کال ڈراپ ہو. ہاں جی, کیا یہ عابد امیر بھائی, انہوں نے جو کہا دہیج, دہیج غلط ہے, وہ زہیج ہے. اور بھائی انہوں نے جو کہا نا کہ بھائی بڑے مطلب سامان دیتے ہیں زہیج میں مہمان لوگ, تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں. صحیح بات ہے, دیتے ہیں صحیح ہے, لیکن پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں, برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ عبد الکریم صاحب آئے تھے جنہوں نے آپ کو کہا ہارنیٹ جھوٹی, تو بھائی ان کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ نے جو اپنی ایج بتلائی نا 55 ایئرس, وہ آپ 55 ایئرس کے نہیں ہیں, کیونکہ جاتے 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 عبد الکریم صاحب آپ نے جو حرکت کی نا, اس حرکت پہ مجھے لگ رہا ہے آپ 55 ایئرس کے نہیں ہیں. ارے چھوڑے نا انکل, چھوڑے, کوئی نہیں, خیر واللہ عالم, مجھے اسے کوئی نہیں, ہو جاتا ہے, کوئی نہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ آپ نے جو کہا نا جھوٹی, تو وہ آپ دیکھیں کہ فرانہ جو ہے ان کے آگے اور پیچھے دو ایسی ہستیاں لکھی ہیں, لگی ہوئی ہیں کہ انہیں ہر آفت سے بتائیں گی, بے شک ایسے اس حساب سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی. بالکل, پہلی ہستی تو یہ ہے کہ فرانہ کے آگے سجادہ لگا ہوا ہے اور پیچھے علی لگا ہوا ہے. بالکل,
ہاں رہی بات آپ کہیں گے کہ بھائی پھر ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, تو بھائی وہ ایک مقدر کی بات ہوتی ہے. صحیح. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ اپنے مسعود احمد صاحب, انہوں نے کہا کہ انکل آپ کبھی انڈیا گئے نہیں گئے, تو آپ نے جواب دے دیا کہ ہاں گئے تھے. لیکن اس کا میں خلاصہ کر دوں کہ بھائی جب میں انڈیا گیا تھا نا, تو وہاں پہ میں نے مطلب کہ مجھے 3 مہینے کی ویزا ملے تھے, 3 مہینے کی ویزا اور مزید ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لے کے مطلب کہ پیسے کھلا کے رشوت کے. جو باتیں کلیئر ہیں اچھا میرے بہنوں نے رشوت کے پیسے کھلا کے 3 ماہ کے اور مزید ویزا بنوا لیے کہ میں بیمار ہوں, حالانکہ میں بیمار نہیں تھا. اچھا. اور پھر ایک استاد کو تیار کیا مجھے, انہوں نے وہاں کی لینگویج سکھائی ہندی, جس کا میں نے وہاں سے امتحان دیا, اور تیسرے نمبر میں میں پاس ہوں, جس کا سرٹیفکیٹ مجھے میرے پاس کراچی میں موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا اور مسعود احمد صاحب, آپ جو اپنے کامنٹس میں لکھے ہیں نا الگ الگ, جس میں میں ایک ہی نام بتلاؤں گا, سیتا اور گیتا. سیتا اور گیتا. تو بھائی سیتا جو ہے نا وہ ہندو دھرم کے جو ماننے والے ہیں, جن کا نام ہے رام, جس کو رام کو وہ بھگوان مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سوری سیتا جو ہے نا, ہاں یہ رام کی بیوی کا نام تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا گیتا, گیتا جو آپ کہتے ہیں تو ہندو مذہب کی جو کتاب ہے اس کو بولتے ہیں گیتا. ارے مسعود احمد صاحب مجھے تو نا یہ شنکر پاروتی گنیش ہولی پھر یہ دشہرا نوراتری سب مجھے پتا ہے, گروا چوک کیا ہے, کیونکہ وہاں 6 مہینے رام ہے. استاد وہاں کے استاد پرشوتم نے مجھے ساری باتیں سمجھا دی, ان کے مذہب کے بارے میں, متھرا کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. ان کا بھگوان جو ہے شری کرشن بھگوان, ٹھیک ہے, ان کا ماموں کنس متھرا میں, مجھے سب ان کا پتا ہے. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل نوراتری ختم ہوئی اور آج ہندو مذہب کے لوگ دشہرا من. انکل کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, انکل کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی. چلیں جی خیر ہے. اور انکل اب بتا رہے تھے کافی ڈیٹیل, اور آف کورس جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ وہاں کی جو ہے وہ ہسٹری, وہاں کا کلچر, سب کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے دوسرے لوگ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان سے اتنا زیادہ انسپائر ہو کے جاتے ہیں. رائٹ. 03-2136-6303-03 آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اچھا جی, پشمینہ کہتی ہیں تیرے وعدے وفا ہوتے آپ کے برابر والی کرسی پر شو کرتے, مہک نے کہا. اچھا جی, میری برابر میں کوئی کرسی ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ. صحیح ہے. سو رانا مظہر کہتے ہیں ہنسا بہت کم کرو. تمہیں کیا ہے بھائی, میری خوش نہیں دیکھ سکتے بھائی آج کل لوگ کسی کو, کیا مسئلہ ہے میری ہنسی سے, اپنے کان بند کر لو. صحیح ہے, میں ہنسنا نہیں چھوڑوں گی بس. چلو بیٹا, اور کوئی مسئلہ ہے تو اپنے آپ سے رکھو مسئلہ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. محمد علی کہتے ہیں سیدہ صاحبہ جی ٹھیک ہے اب. ہاں جی ٹھیک ہے. محمد فراز کہتے ہیں کہ علی تمہارا فرسٹ بریک اپ تھا یا سیکنڈ تھا؟ نا گرو فراز. اچھا جی. شہزاد حنیف کہتے ہیں ابھی میں آپ کا شو نہیں سن سکتا, میری طبیعت خراب ہے, سوری. ابھی چیلنج گیٹ ویل سون. اور کیانی اسد وعلیکم السلام, بہت شکریہ کہتے ہیں کہ کیا حال ہیں بہن. میرے حال بہت اچھے ہیں الحمدللہ. اور چیلنج جی دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. اینڈ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے شہزادے, کیسے ہو؟ چلو شکر ہے, کال تو لگی. ہاں چلو ہم نوافل پڑھ لینا شکرانے کے. نوافل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے نا کہ ایف ایم نہیں سنا جا رہا نا, تو اسی وجہ سے کال لگنا چھوڑا ہے, عذاب ہو گئی. میں کیوں نہیں سن رہے ایف ایم, پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے موبائل میں, ایف ایم لگ رہا نہیں ہے, ٹیون نہیں ہو رہا ہے. تم اپنے موبائل کو توڑ دو, پرانا ہو گیا. ابھی ایسے ہی کرنا پڑے گا, ارادہ ایسے ہی ہے کچھ. جب ہمارے یونیورسٹی میں ہم ایک دوسرے کو کال کرتے تھے نا, اپنی کلاس فیلوز کو کہیں دور چلے گئے کال کر رہے ہیں, نہیں اٹھاتا تھا نا, کہتے توڑو اپنا فون ابھی یہاں پہ ہمارے سامنے رکھو, اس کو مارو شوز. تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے. چلو جی بتاؤ. اور بس سب خیر خیریت. ابھی تھوڑا بہت شوز بک پہ, کیونکہ آج تھوڑا کرکٹ کھیلنے آئے ہوئے. اچھا. تو میں نے کہا فری تھوڑے کھیلنا, میں نے کہا چلو شو سن لیں. ہاں زیادہ کرکٹ نہیں کھیلنا. کیوں؟ کیونکہ نیشنل ٹیم میں شامل ہو جاؤ گے تم.
नहीं इंशाल्लाह वो तो होंगे, अभी इरादा है एकेडमी ज्वाइन करने का। चलो जबरदस्त हो गया, ये तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह अपनी थोड़ी कोशिश करनी है क्योंकि शौक है इस चीज का, और शौक करनी है, शौक है सही है। क्योंकि फिर बाद में एक कोशिश नहीं की, ट्राई नहीं किया था। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल जी, कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह आप अच्छा खेलते हैं तो फिर जरूर आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और इंशाल्लाह तो उसकी अभी तो अकेडमी ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद एक दो साल फिर सीटें जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बस जो है ना तुम सही है, चलो जाओ अभी तो। खैर चलो किसी दिन बताना कि तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है। इंशाल्लाह सही है, हम इंशाल्लाह ये लाइन हम सुनने के लिए जो है वो यहाँ बैठे हैं, ठीक है। बस आपने किसी दिन आके बताना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और टॉपिक बता दें ताकि मैं उस पर बात करूं। टॉपिक ये भाई, आपने अपने नाम के साथ ना किसी खाने पीने की चीज का नाम लगाना है, मूवी का नाम लगाना है, गाने का नाम लगाना है, किसी शोबे का नाम लगाना है, आपकी मर्जी है, बस अपने नाम के आगे कोई ना कोई नाम लगाना है। शहजाद राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार, क्या बात है, वाह जबरदस्त। अच्छा तो यही बता दिया। चलो कुछ और बताओ फिर, अब ज्यादा होशियार नहीं बनो, कुछ और बताओ, सोचो। अच्छा, ये बात। हाँ ये बात। अभी किस शोबे का नाम लगा, मतलब बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो सब पूरी कौमी, कराची की तो पूरी कौमी बिरयानी है, बस फिर कराची बिरयानी है ना। क्या करें, अब बिरयानी नहीं खाए हफ्ते में एक बार, हफ्ते से ही नहीं गुजरता। अच्छा सही है, सही बात। हमारी तो अक्सर रूटीन होती है, इतवार को जाओ खेलने, फिर खेल के जब आओ सारे दोस्त यार जो होते हैं, बस एक बिरयानी वाले साहब को पकड़ा, उधर बैठ जाते हैं। सही है, शोल मेला भी लग जाता है, टाइम भी पास हो जाता है, गपशप भी हो जाती है, पेट पूजा भी हो जाती है। ठीक हो गया, चलो जबरदस्त हो गया। सही है, और बस सब ठीक ठाक है। अभी पूरा हफ्ता शो नहीं सुना, क्यों झूठ बोला आपको, बीच बीच में अल्लाह पूछेगा तुम्हें, तुमने पूरा हफ्ता शो नहीं सुना मेरा है। और हमारी हमारी किस्मत जिस टाइम फराज भाई की जो है ना थोड़ी सी हो रही होती थी, उसी टाइम हम लोग ऑन कर रहे होते थे। ये तुम्हारी नहीं फराज भाई की किस्मत। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शहजाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, क्या बात है। अच्छा जी, और अली कहते हैं कि लाइन में लगने जा रहा हूँ, बिल्कुल जी। और पश्मीना नाज कहती हैं अभी सबा क्यों नहीं आ रही हैं, मैं कह रही हैं कि हमारी कॉल 3 वीक से नहीं लग रही है, क्या करें, नंबर डायल करती रहें, ट्राई करती रहें, लग जाएगी कभी ना कभी तो लग ही जाएगी। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ जी? मैं फरमान बात कर रहा हूँ जी। फरमान कैसे हैं आप? ठीक है मेरे भाई, खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या कहेंगे टॉपिक पे? टॉपिक को छोड़ो, बस ऐसे बात करने नहीं, टॉपिक पे बात करेंगे तो होगी, मुझसे ये नहीं कहा करें आगे टॉपिक पे छोड़ो, मैं मेरी जो ना फिर बता रही हूँ, मैं कॉल काट देती हूँ मैं। नहीं मैंने ऐसे ही बस कॉल की। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ऐसी बात हो गई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं बता रही हूँ ये हरकतें ना करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। हमने तो ऐसी बस बात करने के लिए कॉल की, वो लोग कॉल कर रहे हैं भाई, टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये कोई बात है वाला। चलें जी देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपसे जी कौन है हमारे साथ? साइमा बात कर रही हूँ। साइमा, साइमा पहली बार बात हो रही है आपसे जी। जी साइमा कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। हाँ तो सायमा सबसे एक सवाल करती हूँ, मैं खुद ही बता दिया करो कि कब से सुन रहे हो मेरा शो? मैं आपका शो 1 महीने से सुन रही हूँ। 1 महीने से सुन रही हैं, चलें जबरदस्त हो गया, आपकी जिंदगी तो निखर गई, वाह समर गई है ना जी, आपकी जिंदगी में तो निखार आ गया जी। जी बिल्कुल, मैं आपको रोज सुनती हूँ, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ तो क्या कहेंगी? मेरी बहन नसीमा भी सुनती है। अरे वाह नसीमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप सुनती हैं अपनी बहन के साथ, जबरदस्त हो गया। सायमा नसीमा जबरदस्त, वालेकुम अस्सलाम नसीमा, बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत सारी दुआएं। तो टॉपिक के बारे में बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। तुम्हारे वादे अगर वफा होते तो हम कहाँ से कहाँ होते। तो हम कहाँ से कहाँ होते, सही बात है, सही है, ठीक हो गया। और बताइए, और इसके अलावा दूसरी वाली? हाँ और दूसरी वाली है सायमा स्वीट। सायमा स्वीट, ओके जबरदस्त, कौन सी वाली स्वीट, कोई एक स्वीट का नाम बताए ना, सायमा गुलाब जामुन या सायमा चमचम या सायमा बर्फी,
साइमन लड्डू, साइमन रसगुल्ला, सही है, चलो जबरदस्त हो गया, अच्छा है, आप अच्छा बंगाली हो, बंगाली हो, अच्छा रसगुल्ला बोला आपने, ठीक है, दैट्स नाइस, हाउ स्वीट, अच्छा ठीक है, और क्या कहेंगी साइमा? और आपकी क्या बोलूं? कुछ भी जो आपका दिल चाहे बोल दें, बस अच्छा बोलिएगा। आप ही आपके लिए दुआएं और इसकी भी दुआ कीजिएगा, मेरी आने वाले महीने में मेरी शादी है। अरे वाह क्या बात है, चलें जी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भरपूर करे और आपका नसीब बहुत अच्छा करे और आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, कभी कोई तकलीफ कोई परेशानी आपके जिंदगी में ना आए, वैसे सब जिंदगी का हिस्सा है, अगर आ जाए तो ऐसी परेशानी ना हो कि जिसके बाद आपको बहुत तकलीफ हो, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुशियों वाली आसानियों वाली जिंदगी गुजारें, आमीन सब, आमीन, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साइमा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज। ओके अच्छा जी, और शहजाद हनीफ कहते हैं कि तेरा वादा वफा होता तो मैं बिरयानी खा रहा होता, ओके ठीक है। गदाए मुस्तफा यानी कि रमजान मलिक साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा, आपको बज़्म में खुश आमदेद, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप रमजान मलिक साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहते हैं फरहाना अली साहिबा आपका जुमला, मांगी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती चाहे वो इज्जत ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक बहुत इज्जत अता फरमाए, आमीन सुमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि वजह है ना रमजान मलिक साहब की, मांगी हुई चीज़ का वो मज़ा नहीं है जो आप खुद चीज़ हासिल करते हैं ना, जो आप अर्न करते हैं चीज़, चाहे वो फिर रिस्पेक्ट क्यों ना हो, तो फिर बस यू नो। और राना इमरान राजपूत कहते हैं तेरे अगर वादे वफा होते तो आज मैं सच में गली में ना बैठा होता। अच्छा सही है। और सुमर खान कहते हैं अगर आपके वादों में वफा होती तो नमक जख्मों की मरहम होती, आपके वादों में वफा होती तो हैं, समझ नहीं आया, अच्छा जी सही है, मतलब ये क्या नमक जख्मों की मरहम होती, समझ नहीं आया भाई क्या बांगी मारी है। आप मेरे कहते हैं बच्चू राबे जब वापसी आओ ना तो कुछ लेती आना हमारे लिए वहां की सौगात, ये लो पहले इनसे पूछा नहीं पहले बता रहे। मोहम्मद अली कह रहे हैं नंबर अचानक से सुपर बिजी हो गया, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मोहम्मद फराज कहते हैं मेरे पास टाइम भी नहीं है गर्ल्स को देखने का, खुद ही देखती हैं उल्टी उल्टी नजरों से। ओह खुशफहमियां तो देखो खुशफहमियां तुम लोगों की, ये जो खुशफहमियां ये जो गलत फहमी है ना ये तुम लोगों को ले डूबती हैं पता है। और जियाला खान कहते हैं कि सिस्टर फरहाना तुम लोग के काम बनते बनते बिगड़ते इसलिए कि तुम लोगों की ये गलत फहमी जो खुशफहमी है ना तुम्हारी, जो काम सीधा होने में जा रहा होता है ना वो उल्टा इसलिए होता है तुम लोगों की हरकतों की वजह से, सही बता रही हूं मैं। ज़ाला खान कहते हैं सिस्टर फरहाना ये जो जो भी रेडियो लवर हैं ये क्या मेरी तरह मई जून के महीने में तो पैदा नहीं हुए सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडियो से कोई 21-20 साल से जुड़ा हूं, तुम तो 50 साल से जुड़े होगे, 33 साल तो तुम कम उम्र बताते हो अपनी। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना खमीरा आटा, बस बोंगियां मारते रहो, हंसी तो नहीं आई इस बात पे। साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद फराज कहते हैं मोहम्मद अली नो ब्रेकअप और कर लो कोई बात नहीं। अच्छा बस कर दो यार ना खींचो अली की टांग ऐसे। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि हमारे भट्टी साहब एसएम रजा साहब रमजान मलिक साहब, चलो खींचो खींचो टांग खींचो अली की फैल जाएगा वरना फौरन ये ज़रा से इसकी साइड लो तो। अच्छा कहते हैं कि मसूद साहब काशिफ भाई आबिद भाई शहजाद भाई और हमारी सब सिस्टर और सब सुनने वालों को वालेकुम, चलें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं अपनी यादों को छोड़ना जाना अपने वादों को तोड़ना जाना, जाना मैं हूँ तेरा दीवाना 90 के सॉन्ग व्हाट अमेजिंग सॉन्ग, तो भाई सुनो जाके सीधी सी बात है। मसूद अहमद साहब कहते हैं राबिया बाजोड़ एजेंसी अपने गाँव घूमने गई थी और हुमैरा मैम ने उसे बंदूक लाने को कहा था। बंदूक सही है और माथे पे बंदूक वे सही। अरे क्या गाना याद आया मुझे बंदूक से, प्ले करें क्या इसको, चलिए बैकग्राउंड पे लगाते हैं इसको। गाने का नाम क्या है, मैंने ये गाना कभी नहीं प्ले किया वैसे, अब ये बंदूक से पता नहीं क्यों मुझे याद आया अचानक, चलें बट लेट्स सी बंदूक गाना हम लगाते हैं और ये वाला है देखते हैं इस पर कॉपी राइट ना आ जाए भाई, पाकिस्तानी गाना कौन सा पाकिस्तानी गाना, ओके कौन सी फिल्म का गाना था ये तो पता चले। ओके ठीक है हाँ यहाँ पर आ गया है, चलें जी देख लेते हैं ये वाला, अच्छा
अच्छा ये वाला गाना है वो चैलेंज ही देखते हैं लेट्स सी ओके नहीं ये वाला तो नहीं है भाई ये तो कोई और से गाना है पता नहीं कैसा अजीब सा गाना है ये तो और भाई हमें नहीं मिल रहा पता नहीं कौन सा नहीं मैं ढूंढती हूँ रुके अभी जो है ना हम ढूंढते हैं ये गाना ओके लेट्स सी आई गेस ये वाला है ये सॉन्ग है क्या आई डोंट नो चलें जी खैर है जो भी है चलें कॉलर को शामिल करते हैं उसके बाद में देखते हूँ गाना कौन सा प्ले करना है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात क्या हाल है रजा साहब कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं अल्लाह का करम है भाई बहुत करम है एहसान है आने तुम्हारे को बालो वाशे अच्छा सही है बात मछी खाई बोल ना खाई बोले आज बेंगोली सही आज बेंगोली सही बेंगोली सब बनेगा ना बेंगोली का सब उनके बस करेगा सही है ठीक है मुझे समझ आ जाएगी थोड़ी थोड़ी तो समझ आ जाएगी अच्छा चलो ठीक है पर बेटा आज क्या तुम्हारा टॉपिक क्या है मैं बहुत जल्दी समेटना चाहता हूँ तेरे वादे अगर वफा होते अल्लाह अकबर अरे हम तो गुमनाम राहों के नाम मुसाफिर तेरी राहों में ऐसे गुम हो गए कि मंजिल भी नहीं मिली और रास्ते भटक गए अच्छा सही है रास्ते भटक गए तो हाँ रास्तों से भटक गए ना प्यास कहती है चलो आओ रेत निचोड़ी जाए प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला अरे क्या बात है अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला नहीं आने वाला अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है अब अबीरों का लश्कर नहीं आने वाला नहीं आने वाला क्या बात है क्या बात है तू पुकारेगा तो अहले हरम हम आएंगे तू पुकारेगा तो अहले हरम हम आएंगे अब अबीरों के अंदाजे हम आएंगे क्या बात है तो इसी के साथ लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत का अलम ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत का अलम ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे रेत पे अपने लहू से लिखेंगे हम गजल अपने हिस्से में कहां लोहो कलम आएंगे वाह क्या बात है तो बेटा बस ये है जिंदगी बहुत मुख्तसर थी इसको समझने की कोशिश करो समझे सही है हम लोग क्या है क्या नहीं है दुनिया आना जाने एक फानी चीज है तो इसमें जितना भी पासे जितना भी हिस्सा अच्छा इकदार का डाल सकते हो वो डालते चलो और हमारे जितने खूबसूरत समाते सुन रही है बहुत सारी समातें आजकल उनकी आवाज मेरे कान से नहीं टकरा रही पता नहीं क्यों वो लोग नाराज हैं मुझ जैसे जाले मतलब से आए भाई वो लोग मुझे अच्छा लगता है मैं बड़ा महजूब होता हूँ उन लोग की गुफ्तगु से मैंने तो पहले भी कहा था कि चलो कम सही आएंगे जरूर हम तेरी महफिल में कदम सजाने के लिए तो आपकी बज़्म में हर किसी को हम खुशामदीद कहेंगे बेटा और जितने लिसनर बीमार हैं उन्हें शफाए कुल्ली अल्लाह अता करे रबी अव्वल का महीना आ गया है जी जी। चंद लम्हात बाकी है रबी अव्वल की 12 को जी जी। तो जितने भी लोग मेरे अहले ईमान कलमा गो मुसलमान हैं उन सबको मैं यही कहूंगा कि नवीद इस तरह मनाना अपने घरों में कि तुम्हारे घर के चिराग से किसी के घर में आग ना लगे क्या बात ऐसा है? करो ऐसा करो कि खुशियां जरूर मनाओ बिल्कुल मनाओ पर किसी के दामन को बचाकर अपने दामन की हिफाजत करने का सलीका सीखो दुनिया में चलते हुए समंदर को रोका नहीं गया हम तो दरिया के किनारे बैठ के यही सोचते हैं वाह क्या बात तो बेटा बस जिंदगी यही है मुख्तसर सी और जितना भी खुशियां बांट सकते हो बांट लो और लोगों की जितनी अपने हिस्से में दुआएं समेट सकते हो समेट के अपने गुनाहों को बोझ को कम करके बारगाह-ए-इज़्ज़त में जाने की तैयारी करो दुनिया आखिरत का सवाल लेके बैठी है हम दुनियादारी किए बैठे हैं
समझे, दुनियादारी में हमें कुछ नहीं मिला बेटा। सही बात, दुनियादारी फकत एक धोखा है और जिंदगी एक हकीकत है। अंजाम इसका बड़ा इबरतनाक है, उस अंजाम से बचने की तैयारी हमारा फर्ज है और उसको करते रहो। जो तुमसे सरजद हो गए गुना उनकी तलाशी और माफी मांगने का महीना आ गया है। जमा सल्ला का अल्लाह का रहमतुल्लिल आलमीन परवरदिगार आलम ने अल्लाह को, अल्लाह ताला ने इस खातून नबीन को हमारे लिए रहमत बनाया है, तो उसी को वसीला बनाकर अपने लिए दुआ खैर करो और दूसरों की मगफरत की दुआ करो। दुनिया बस एक धोखा है, तमाशा है, तमाशे में अपने आप को गुम मत करो। उस अंधेरे से डरने की कोशिश करो जिस अंधेरे में तुम्हें रोशनी की तलाश हो, तो अपने दिलों में मुनव्वर अहले बैत की रोशनी लेकर उस लहर में उतरने की कोशिश करो ताकि सुरखरू हो सको उस रब्बे जलाल के सामने जिसके सामने तुम्हारी रूहों ने उससे इकरार किया था कि हम तेरी ही इताअत करेंगे और तेरी इबादत करेंगे, तू ही हमारी इबादत के लायक है। खालिक कायनात हमारे सख्त गुनाहों को माफ कर दे, और जितने मेरे लिस्नर सुन रहे हैं परवरदगार उन सबकी शरई आजाद अपनी बारगाह में कबूल करे और हम सबको नेक तमन्नाओं के साथ जिंदगी अता करे। जियो सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह। बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा रजा साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे हमेशा। खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे, कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। जाहिद आकाश कहते हैं, आप ही मैं परसों मुल्तान जा रहा हूँ, जिसने सोन हलवा मंगवाना है तो कल से मुझे पैसे जमा करवाना शुरू कर दो। तौबा, कंजूसी की हद देखो भाई लड़के की। जो लोग वहाँ मुल्तान जाते हैं सोहन हलवा कहते हैं सौगात के भी पैसे लोगे तुम, हैं हद हो गई लड़की, कंजूस कंजूस इंसान। और सोहन हलवा जो है ना वो अखरोट वाला बहुत मजे का होता है। अच्छा जी, अली कहते हैं कि नंबर ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो गया मेरा। अली, यहाँ पर किसी का नंबर ब्लैकलिस्ट नहीं होता, ठीक है। सो आप ट्राई करते रहे, कॉल मिल जाएगी आपकी। राना इमरान राजपूत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं, माधुरी मैम आपको फैसलाबाद की जहीन लिसनर, मेरी करीब 40 साल पुरानी दोस्त नजमा नौशाही आपको कॉल कर रही हैं, आप प्लीज़ कॉल पे करें। वो मुझसे बोल रही हैं कि नंबर बिजी जा रहा है, नंबर बिजी जा रहा है तो मैं कैसे पिक करूँगी कॉल। बस चलें, वो ट्राई करती रहेंगी तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल रब चंगवानी, बहुत शुक्रिया, डी जी खान से सुनते हैं। आमिर खान, वालेकुम असलम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं, शुक्र है कि अंकल ने मेरा नाम नहीं लिया। किस बात पर अंकल ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, ये बताओ ना। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अजनबी अंकल मैंने सिर्फ आने का पूछा था, पोल खोलने का नहीं कहा था। सही है जला खान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आवेदन कहते हैं, भाई वाह, नो नेम वाले अंकल आपका तज्जिया शो के हवाले से सुपर था, ऐसा लगा कि जैसे आप शो की खास खास खबरें सुना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप जाके पढ़ा करें ना रिव्यू जो देते हैं अंकल शो सुनने के बाद। कहते हैं शो के काफी शो के सहाफी सहाफी मेमन अंकल, सही है। राहुल वाली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल तो सहाफी भी लिफाफे वाले हो गए, तो इसलिए सहाफी भी देखना पड़ता है ना, सहाफियों को भी न्यूट्रल होना चाहिए पता है। एक अच्छा सहाफी वो न्यूट्रल होता है, वो कभी किसी की साइड नहीं लेता, वो बात करता है फैक्ट्स पर। अब आई बात तो चलें, कह दिया हमने भी। अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं कि उफ ये 4 मिनट की कॉल थी अंकल को, अंकल की मज़ा आ गया। 4 मिनट की कॉल नहीं थी अंकल की, अंकल की कॉल ज़रा लंबी हो गई थी क्योंकि मैंने अंकल के लिए थोड़ा सा वो डिले कर दिया था टाइम। अच्छा जी, अली कहते हैं कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट है क्या? अरे बता दो दिया, नहीं है भाई, क्या हो गया। आबिद अमीर कहते हैं कि तेरे वादे कर वफा होते तो हम भी हैं। अच्छा सही है, आपने कंप्लीट नहीं किया जुमला, करें ना कंप्लीट ताकि आयशा भी सुने तो मज़ा आया फिर आपको घर जाके। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं पर क्योंकि मैं तो समझ गई आपने जुमला लिखा गया है, अब ये आयशा आके पढ़ लें तो फिर मज़ा आए। है ना, आपको जो है ना खाने में ज़्यादा मिर्च मिला के दें आज। सिर्फ आओ की प्लेट में। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं पर मैंने जो अपनी हरदिल अजीज़ आरजेस को जो सीता और गीता कहता हूँ, बॉलीवुड की मशहूर मूवी हेमा मालिनी वाली, उसके हिसाब से दोनों मैडम से पुकारता हूँ अंकल ने। ये मूवी देखी, काफ़ी है मज़ेदार मूवी। अच्छा चलें जी, अब अंकल बता देंगे, चलें देखते हैं कॉलर कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? ललिता कराची। ललिता कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अभी जो अंकल आए थे राजनबी अंकल, हाँ। गुफ्तगू को बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी लगी, इतना मैं नहीं जानती, इतना उन्होंने मुझे मालूमात दी। अच्छा, अरे वाह क्या बात है।
और मैं शुक्र अदा करूंगी मसूर भाई का, जिन्होंने हमको अंकल के लिए इजाजत से मुझे सब कुछ पता चल गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और टॉपिक में ये कहूंगी कि मेरे नाम के साथ अनार आना चाहिए। अनार, ललित अनार। जी, मुझे पसंद है। अच्छा, सही है, ठीक है। सिस्टर और सिस्टर मेरे भाई मसूद अहमद, रमजान मलिक, आबिद अमीर, सलमान अमीर, सब भाई बहनों को ना बहुत 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 सलाम। वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। और कुछ कहना चाहेंगी? और मेरा सिस्टर का इंतजार 11 बजे वो आ जाए। हाँ जी, बस वो आ जाएंगी 11 बजे, अभी 20 मिनट बाकी, 19 मिनट। सही है, क्या रखिएगा जरूर। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। हाफिज़, हाफिज़। अच्छा जी, ओके, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि क्या पेट पूजा, हा हा, इट्स नाइस वर्ड, तो पहली बार सुना है क्या? कौन सी दुनिया में रहते हो ज़ियाउल्लाह? मामा शहजाद कहते हैं कि क्या होता है, बदले होने होने वालों में माशाल्लाह हम भी हैं, हैं? अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं कि सईदा अभी जी कॉल लग ही रही, तो चलें अली ट्राई करते रहिए, लग जाएगी कॉल। और मसूद अहमद साहब कहते हैं, अरे शहजादे ये तुमने क्या कह दिया मैम का, शो लाजमी सुना करो, ये तुमने क्या कर दिया। कह रहे हैं मैम एक दिन कहा था आपने जो के जो मेरा शो सुनेगा ना सवाब मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग सवाब कमाते हैं, आपको क्या पता, इतने सारे लोग जो है ना जो अपनी गाड़ियों में सुन रहे होते हैं, ड्राइविंग करते हुए सुन रहे होते हैं, यू नो सब लोग सवाब कमा रहे हैं। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ शादिया, क्या हाल है? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो क्या नाम, आप अपने नाम के आगे क्या लगाएंगी? शाजिया सोतू। अपने नाम के आगे क्या ना क्या वर्ड लगाएंगी? आप लगाएं। नहीं, आप लगा दें, आप बुरा मान जाएंगी। बोला तो है मैंने। नहीं, गुस्सा नहीं आता। वाह लड़की, क्या बात है। अच्छा नहीं, मैंने लगा दिया ना शाजिया सोतू, बोला तो है। ये नाम रखोगी। अच्छा, और इसके अलावा तेरे वादे अगर वफा होते तो, तेरे वादे अगर वफा होते, ये जो मैंने सोचा हुआ था ना, वो साइमा ने मेरा जवाब दे दिया। ओ, चलो तुम्हें बता दो फिर, दोबारा बोल दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना हो जाएगा। कहाँ होती, मतलब कुछ सोचा कहाँ होती? आपकी मेहमान बनी बैठी होती। अच्छा, मेरी आप लोग मेरे लिए मेहमान, फैमिली, देखे बिरयानी का इंतजार कर रही होती है। अच्छा ठीक है, आपके घर में मेहमान बनके। हाँ, मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। आपके हाथ की बिरयानी, बिल्कुल जरूर। और आज बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी बना रही हो, चलो जबरदस्त हो गया। आज हमारे भी बिरयानी वाला सीन है आई गेस, या पुलाव वाला। हमारे हर थर्सडे को ना या तो बिरयानी वाला सीन होता है तो पुलाव वाला सीन होता है। लेकिन आप पुलाव खाती होंगी, मैंने सुना है कि पंजाबी लोग जो है ना वो पुलाव ज्यादा पसंद करते हैं। पंजाबी नहीं, आप पंजाबी नहीं है फिर? सराय, आप सरायकी हैं। अच्छा ठीक है, मतलब सरायकी लोग भी तो पुलाव खाते होंगे, वो कौन सा बिरयानी खाते होंगे? पंजाब वाले जो लोग हैं बिरयानी भी खाते हैं। बिरयानी भी खाते हैं, बिरयानी बनानी आती है आप लोगों को? पंजाब के लोगों को तो बिरयानी बनानी आती। हाँ आती है यार, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। बिरयानी बनाते हुए खिचड़ी बन जाती होगी। क्या बन जाती होगी? खिचड़ी नहीं, बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, जो यहाँ पर लोग रहते हैं ना, जो शुरू से यहाँ पर लोग रहते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं हमारे ऐसे करीबी जानने वाले जो मतलब उनका ताल्लुक पंजाब से, लेकिन उनको बिरयानी बनानी आती है। नहीं, मैं शुरू से तो यहाँ नहीं रहती। अच्छा, मुझे एक साल ही हुआ है यहाँ। अच्छा हाँ, तो फिर आप पुलाव बनाती होंगी बिरयानी के नाम पे? अरे नहीं यार, मैं पुलाव बिरयानी नहीं बनाती। हम पंजाब में भी शहर में ही रहते थे ना, मतलब हमारे पड़ोस में ना वो पंजाबी हैं बेसिकली, तो वो लोग वो आई ना कहती हूँ कि ना आंटी बिरयानी लेकर आई हूँ, हमारे ना शादी थी तो वो बिरयानी क्या, मैंने कहा ये बिरयानी कैसी, व्हाइट कलर की बिरयानी, व्हाट इज दिस, मतलब ये बिरयानी है। पुलाव को बिरयानी कहते हैं यार, तो आप क्या डेफिनेशन है आप लोगों की? नहीं नहीं, अच्छा चलें, अच्छी बात है कि आप जो है ना अच्छी बिरयानी बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है। चलें, आपने तो भाई वाह जबरदस्त। हम दोनों रसगुल्ला, बाकी सारे अचार, गोश्त, कोई लाल टमाटर की चटनी, कोई
ये सही है हम दोनों रसगुल्ला सही है, ठीक है। और आपको मुझे लगता है कि मिठाई में से ना गुलाब जामुन ही पसंद होगा मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, मैंने बताया था एक बार, मुझे गुलाब जामुन पसंद है बट मीठा मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता, मुझे मतलब मीठा में कम ही खाती हूँ मैं, केक्स वगैरह मुझे ज्यादा पसंद है, मिठाई में तो हाँ कोर्स, क्योंकि वो केक नहीं आता है मिठाई में, वो अलग चीज है। मिठाई में मैं भी सिर्फ गुलाब जामुन खाती हूँ, लेकिन एक से ज्यादा नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता ना बाकी। हाँ, मैं पानी भी साथ में लेके मेरी बहन कहती है शुगर फ्री इंसान है आप। और कल तो खुशी ने वो क्या कल तो खुशी ने वो सुनाया ना गन्ने वाला, बस खुशी तो बस हाँ हाँ आई नहीं है खुशी आज अभी तक, अब आएगी वो खुशी जो दूसरी वाला उसने सुनाया ना गन्ने वाला, अभी तक हंसी आ रही है, अभी समझ आया है वो है, अभी तक हंसी आ रही है या अभी समझ आया है? नहीं, मुझे कल ही समझ आया। अच्छा, शुगर है, इतना हंसी अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया ये तो। चलिए और कुछ कहेंगी शाजिया? और सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। हाँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हमें कहते हैं बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको शामिल करना ज़रूरी है, और मोहम्मद फराज कहते हैं तुम्हारे वादे अगर वफा होते तो आज तुम मेरे पास होती, अच्छा जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया बेटा। नजमन वशाई कहते हैं तुम जो है ना अपनी तारीफें करते हो क्या उसके सामने, तभी वो जो है ना बस उसने बोला कि ये लो पकड़ो, कब पकड़ो, और ये तुम सारी ज़िंदगी बस याद तुम्हारे पास रहेगी काला कुर्ता, सही है। और अच्छा जी, नजमन ओशाही कहती हैं 60 बार मैंने डायल किया है कॉल नहीं मिल रही, नजमन ओशाही साहिबा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। और काशिफ अली मलिक कहते हैं ज़िंदगी आप बैठ चाय पीते हैं तू भी थक गई होगी मुझे भगा दे, भगाते हैं ये क्या बोंगी मारी भाई, हैं कहाँ से लेके आते हैं ऐसी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लड़की, आ गई तुम खुशी 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 जी? हाँ। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। हाँ जी, आप बताइए, आज की जोक नहीं सुनाना बस तो। मैं टिकटॉक यार कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, गोली नहीं लग रहा। हाँ, चलो अब तो लग, अच्छा ये उल्टा बोलती लड़की आपकी शो सुन रही हूँ है, शो चल रही है और कॉल नहीं लग रहा सही है, अरे तुम पंजाबी हो पठान थोड़ी ना हो जी। हाँ चलो कुछ नहीं, हाँ बताओ आगे, एक तो तुम लोगों को समझ नहीं आती कोई बात है, बार बार रिपीट करो। हाँ क्यों नहीं समझ नहीं आती यार, समझ आ गई आज तक कुछ बात जो है ना आप थोड़ा स्लो बोलने की, अच्छा स्लो आवाज सही नहीं पहुंचती ना, स्लो बोलूं तो, मतलब कैसा स्लो बोलूं, वॉल्यूम कम करूं या स्पीड कम करूं? कुछ बातें आप स्लो बोल लेती है। अच्छा स्लो बोल देती हूँ, ओके कहाँ स्लो बोला, इतना तो तेज बोला सब पूरी दुनिया ने सुन लिया, तुमने नहीं सुना बस। अच्छा वैसे देखो तुम दूसरों की बुराइयां कर रही हो। नहीं नहीं बुराई नहीं है भाई, अच्छा आप थोड़ा तेज बोल रही है। हाँ, अच्छा सही है, ठीक है, अच्छा, लाउड स्पीकर है मेरे मुंह में। हाँ बताओ आपका अगर वो टॉपिक तो जरा रिपीट कर दिएगा। हाँ, टॉपिक तो जरा रिपीट कर दिएगा, सही है, तेरे वादे अगर वफा होते। हाँ तेरी वाली अगर वफा होते तो शायद आज हम भी वफादार होते। वफादार होते सही है सही है, ठीक है सही है, ये सही था। नहीं वैसे सही बात है, मुझे तो कभी बेवफाई मिली नहीं मेरे, माशाल्लाह अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे बेवफा हूँ, अच्छा तुम बेवफा हो, अच्छा तुम बेवफा तुम बेवफाई करोगे तो तुम्हें कहाँ से बेवफाई मिलेगी ये बताओ। पर ना आज तक ना मेरी किसी से दोस्ती की है ना, किसी से प्यार ना किसी की याद आती, पता नहीं मेरा दिल कैसा है, वैसे सिर्फ आपके अलावा। ओह अच्छा, आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, आपकी शो होगी, आपकी शो होगी, बस रेडियो में जो है ना हुमेरा, आपकी वैसे हुमेरा की शो के टाइम में कभी कोई मेहमान आ जाते हैं। अच्छा हुमेरा की शो के टाइम में मेहमान आ जाते हैं, अच्छा अभी हुमेरा को बताती हूँ, अभी हुमेरा आए तो, अच्छा सही है। और उसकी शो में ज़रा कॉल भी नहीं करती हूँ सुनना, फिर मुझे कॉल नंबर डायल करते करते ना शो फिर खराब हो जाते। अच्छा सही है, और
और दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक ये, हाँ आप नहीं खाने की चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई नाम लगाना अपने नाम के आगे। नहीं नहीं नाम नहीं लगाऊंगी, बस मुझे खाने में जरा फिश पसंद है। फिश नहीं, बहुत जरा फिश पसंद। खुशी मछली, ये कैसा नाम हुआ? खुशी झींगा? नहीं झींगा नहीं, नहीं कभी। खुशी केकड़ा? केकड़ा नहीं, अच्छा खुशी बिच्छू। चलो मजाक कर रही हूँ, दिल पे नहीं लेना, बस दिमाग पे लेना। नहीं 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 यार, हाँ बताओ यार क्या हो गया। शाजा ने क्या कहा? क्या कहा उसको? आपका शाजा को, सॉरी उनको, आपका जोक बहुत पसंद आया। अच्छा एक और लड़की बात सुना दूं? हाँ नहीं नहीं कोई जोक नहीं सुनाना, नहीं 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 रिस्क नहीं ले सकते हम। नहीं नो रिस्क, नो रिस्क। नहीं बाबा तुमने कल बोला एक और सुनाऊंगा, मना कर दी, नहीं सुना। ऐसा क्या हो गया? तुम जाके सुनना बेटा, यूट्यूब पे मैं डालूंगी आज शो, तुम सुनना। अब नहीं होता भाई, एक ही बार होता है। ना 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 नहीं बिल्कुल भी। हाँ तुम सुनना सही है, तीसरा वाला जोक जरा अपना गौर से सुनना, एकदम कान खड़े करके, सही है। मेरे पास यूट्यूब कहाँ है बड़ा? तो मड़ा भाई के पास तो होगा ना। भाई वो नहीं लेती मैं आजकल, जरा भाई से ले लेना एक दिन के लिए, सही है, बोलो थोड़ी देर के लिए, दो घंटे के लिए। मुझे यार को बहुत ज्यादा नींद आ जाती है तो उसकी वजह से। अच्छा चलो सही है, हाँ सो जाते हैं। चलो कभी तो मिलेगा तुम्हें फोन, ले लेते हैं आपको। आपको आपके तो YouTube पे बस वो पुराने वाले जो दो तीन वीडियो जो आपने अपलोड किए, एक ब्लू कलर की स्कार्फ का, एक वो पिंक कलर का और एक ब्लैक कलर की स्कार्फ, बस वही दो तीन वीडियो है आपने तो नहीं ना वीडियो अपलोड किए? वीडियो है ना अभी ईद वाली है वीडियो। हाँ हाँ उसमें तो सिर्फ पिक है आपका और मेरा का, बाकी सब वीडियोज में पिक्चर्स हैं, लेकिन दो तीन वीडियोज हैं जिसमें बजाते खुद मैं आपको नजर आ रही हूँ। पूरा वीडियो बना के अपलोड कर, सही है पूरा वीडियो बना के अभी अपलोड करती हूँ। चलो बता दी हूँ फिर, सही है अपलोड करूंगी तो तुम देख लेना, सही है। चलो चलो बहुत ख्याल रखना अपना, खुशी अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी ओके, हैदर अली कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया, मैं कॉल को शामिल नहीं करूंगी क्योंकि बहुत हो गया भाई, 54 हो गए और चले नहीं, हम नंबर ऑफ ही कर देते हैं क्योंकि फिर मेरा अचानक से मूड बदल जाता है, मैं कहती हूँ कि चलो टाइम लगा रहे हैं लोग, काफ़ी टाइम से डायल कर रहे हैं तो फिर मैं जो है ना ले लेती हूँ कॉल, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना अभी, ठीक है अभी मैंने ये करना है कि नंबर ऑफ। यस चलिए जी, अब आप लोग डायल ही नहीं कर सकते। सो मोहम्मद मीरान जाखरानी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मासूमा इमाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आई गेस यू आर लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। पश्मीना नाज बहुत शुक्रिया। कहती हैं अभी तो गले आए हुए हैं, आप भी गले देख लेना आबिद भाई, और मैं कंजूस नहीं हूँ भाई, हैं भाई इनकी बातों को सीरियस मत लो, क्या हो गया पश्मीना तुम्हें, इन लोगों की बातों को सीरियस लोगी? क्या हो गया तुम्हें? ना करो लड़की, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डुबा देंगे ये लोग सारी। जाहिद आकाश कहते हैं आप ही सदफ आई हुई है, सदफ ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। ओके सो एम अकरम बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि वॉइस इज खट्टी मीठी, अच्छा खट्टी मीठी आवाज़ है मेरी, सही है ठीक है। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम तमाम हिंदू कम्युनिटी को, खासकर जेड एफ एम के लिसनर, कराची के लिसनर ललिता को आज गुरु गशामी की ढेर सारी बधाई चलें जी। बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि बिना नाम वाले चाचू ने सारे राज फाश कर दिए। चांडियो गुल हसन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पश्मीना नहीं तो पश्मीना नाथ कहती हैं कि अली भाई मैं कह रही हैं कि हमारी कॉल नहीं लग रही है, तो फिर आप भी हमारी तरह कोशिश करें, देखो कितने काम की बात बताई तुम्हें लड़की ने। अब्दुल रजाक आराम बहुत शुक्रिया, पश्मीना नाज बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं आप ही मेरी कॉल लगती है, नंबर बिजी हो जाता है या टोटली बिजी, ये तो अब क्या कर सकते हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब मैम मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि लिफाफा सहाफ़ी आपके मुल्क में है या हमारे। अब बस ये बस राज को राज ही रहने दें, ठीक है आपके मुल्क में हमारे मुल्क में, बस छोड़ दें इसको। सदफ ज़ारा, अरे सदफ तुम यहाँ पे भी आ गए, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आरजे सैयदा फरहाना अली, तुम मुझे कब से ऐसे बुलाने लग गई हो सदफ। कहती हैं आज हाँ जी
मैं भी रिप्लाई करती हूँ ना सदा, सारी बातें यहाँ नहीं करो भाई मैं बात करती हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, पश्मीना नाथ कहती मुन्नी महक कह रही हैं कि जाहिद भाई बहनों को फ्री में ला कर देते हैं हलवा, हमने भी खाना है मुल्तानी हलवा। सही है। और आबिद अमीर कहते हैं कि अरे वह हमारी स्टार ललिता वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाहिद आकाश बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपको तो पता ही होगा कि मोहतरमा ललिता को, हाँ जी मुझे मालूम है बिल्कुल ऐसे ही है, और हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ काशी वाली मलिक कहते हैं पता है कि ये हाँ हाँ बिल्कुल मैं सब जानती हूँ भाई, मुझे कौन सी बात है जो नहीं पता आप मुझे ये बताएं। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया कहते हैं 45 मिनट में मैंने 337 बार ट्राई कर चुका हूँ। अली तुम्हारी रोने की आदत कभी नहीं जाएगी, बस क्या करें। राणा इमरान राजपूत बहुत शुक्रिया, अब तुम अब सेंटी मत हो जाना, फिर सेंटियों को कहेगा तो आप ही के ये तो बस दुनिया से जाने के बाद ही जाएगी, तो बस फिर लेक्चर का टाइम बचा नहीं है क्योंकि फिर मेरे पास। काशी वाली मालिक बहुत शुक्रिया कहते हैं कि मतलब आज दो जगह पर दावत है, पुलाव एक तरफ से बिरयानी। अरे मैंने बताया है कि कहीं से किसी ने कहा कि बिरयानी है और निकला वो पुलाव, तो भाई अब जिन लोगों के लिए पुलाव बिरयानी होती है हुमैरा तो क्या करें। वैसे हुमैरा आपको भी पुलाव ज़्यादा पसंद आएगा ऐसे, है ना। सो ये पंजाबी लोगों को पुलाव ही पसंद होता है मेरे पंजाबियों की बात नहीं है ये अच्छा नहीं, मोस्टली मैंने देखा है जो बिरयानी ज़्यादा पसंद होती, नहीं पुलाव ज़्यादा पसंद होता है अक्सर। हाँ तो सब कहते तो हैं जो कराची वाले पंजाबी हैं उनको बिरयानी पसंद होती है बस देखिए सच बोला है मैंने। चैलेंज जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन लोगों के कमेंट्स रह चुके हैं, आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं शामिल नहीं कर पाऊंगी। सो सदब कहती हूँ हाँ हाँ बेफिक्र रहो, इट्स सीक्रेट बहना, हाँ हाँ सही है हमारा सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। चैलेंज जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आपसे 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफरत जरूर कीजिएगा। मैं ये वाली कैंडी नहीं खाती हूँ मेरा फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ।